हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से और आज हम देखेंगे कि बेस्ट फेशियल कौन सा है ड्राई स्किन के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो फेशियल किट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है VLCC से ये डायमंड फेशियल किट। ये डायमंड फेशियल किट जो है ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई होती है उनके लिए डायमंड फेशियल किट जो है बहुत अच्छी चीज़ है और एक तरीके की ब्लेसिंग है। तो इसमें दोस्तों ऐसे आपको 6 स्टेप्स आते हैं जो आपको करने होते हैं। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों और इसकी प्राइस है 350 रुपीज़ में आप 2 बार घर पर इजीली फेशियल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है प्री फेशियल। ये एक जेल है, आप इसे टोनर भी कह सकते हैं, क्लींजर कम टोनर। सबसे पहले फेशियल की स्टेप होती है क्लीनिंग, अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये जो है एलोवेरा के साथ दिया हुआ है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स है, इसीलिए स्किन जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है इस क्लींजर का इस्तेमाल करने के बाद। और फेशियल शुरू करने से पहले आपकी सबसे पहली स्टेप जो होती है फेशियल में, फेशियल क्रीम अप्लाई करने से पहले आपको अपना चेहरा क्लीन करना होता है। तो ये है पहली स्टेप, क्लींजर कम टोनर, दोनों का काम ये एक साथ करता है। तो ये होती है दोस्तों इसकी पहली स्टेप। आइए देखते हैं दूसरी स्टेप क्या है। दूसरी स्टेप है डायमंड स्क्रब। ये डायमंड स्क्रब जो है आपकी स्किन में जितने भी डेड सेल्स हैं या फिर आपकी स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं उन्हें निकालने का काम करता है। आप ये स्क्रब लगाकर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लें और अगर आपको पॉसिबल है तो उसके बाद स्टीम ले लें, तो ईजीली जो है आपके ब्लैक हेड्स और जो वाइट हेड्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, अच्छे से निकल जाती है और हमारा चेहरा हमें स्क्रबिंग के बाद ही क्लीन लगने लगता है। तो दोस्तों ये है इस किट का सेकेंड स्टेप। आइए देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। दोस्तों थर्ड स्टेप है डायमंड डिटॉक्स लोशन, जो आपकी स्किन को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी ड्राइनेस को कम करने में आपकी हेल्प करता है। डायमंड डिटॉक्स लोशन से मसाज करने के बाद आपकी स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और साथ ही साथ उसमें एक तरीके का मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन आ जाता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है डायमंड डिटॉक्स लोशन। तो ये है हमारे फेशियल की थर्ड स्टेप, जिसमें आपको अपने फेस पर इस लोशन से मसाज करनी है। आइए अब देखते हैं कि चौथा स्टेप क्या है। दोस्तों चौथा स्टेप है डायमंड मसाज जेल। इस जेल से आपको अपने चेहरे की मसाज करनी है, जो हेल्प करता है आपकी स्किन टाइटनिंग में। इससे आपकी स्किन जो है टाइट होती है, साथ ही साथ आपकी ड्राइनेस जो है कम हो जाती है। वो तो लोशन के साथ पहले ही फ़र्क पड़ने लगता है, बट उसके ऊपर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है आपकी स्किन में और एक तरीके का ग्लो ये आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप के बाद आपको इस्तेमाल करना है हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि है डायमंड मसाज जेल। तो अब हम देखते हैं कि फिफ्थ स्टेप क्या होगा। दोस्तों फिफ्थ स्टेप है डायमंड वॉश ऑफ मास्क। 4 स्टेप्स हो जाने के बाद आपको अपने चेहरे पर जो है ये मास्क लगाकर रखना है कम से कम 10-15 मिनट तक, जब तक आपका पूरा ये मास्क सूख नहीं जाता है तब तक इसे आपके चेहरे पर रखना है, जो फिर आपको एक तरीके की शाइन ग्लो में आपकी हेल्प करता है। और ये 4 स्टेप्स जो हैं 5वीं स्टेप के बिना अधूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फेशियल में मास्क, कोई भी फेशियल किट का मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको 5th स्टेप जो है ये डायमंड मास्क लगाना है और इसे सूखने तक छोड़ देना है और उसके बाद आप सादे पानी से अपना चेहरा धो लेंगे और इसे पैड ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जो कि है 6th स्टेप, और 6th स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। क्योंकि फेशियल के बाद जो है ऑलरेडी हमारी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है कि उसके बाद हमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आप अगर ऑयली मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी लगेगी कुछ समय के बाद, फिर फेशियल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए आपको 6th स्टेप इस्तेमाल करनी है, जो कि है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। वो आपको इस किट में
ही साथ ही में अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 6 इजी स्टेप्स का आता है VLCC डायमंड फेशियल किट, जो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी ट्राई करने के लिए, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और इसका रिजल्ट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।